अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार ये वाले जो कैक्टस के पौधे हैं ना, ये मेरे एक सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने भेजे थे लेकिन ये मुझे रिसीव नहीं हुए। और फिर तकरीबन एक महीने के बाद ना ये हमें जाकर मिले। हमने यही समझा बॉक्स खोलते वक्त, मुझे यही पता था कि इसके अंदर ये सारे खराब हो चुके होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ठीक ठाक है। और देखे इसके ना साइडों पे ये छोटे छोटे और तने जो होते हैं ना, ये निकल रहे हैं। और इनको आए हुए हमारे घर में तकरीबन 5 से 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक ये यहीं पर उसी तरीके से ठीक ठाक पड़े हुए हैं। पहले मैंने माली भाई को बोला कि यार कोशिश करें कि यहाँ पर लगा दें, लेकिन माली भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो इनको फिलहाल रखते हैं और इनके लिए हम कोई जगह डिसाइड करके फिर वहाँ पर गमलों में लगा कर रख देंगे। जल्दी जल्दी एक नज़र मैं सिर्फ इन परिंदों के ऊपर मारूंगा और बस इनको देख कर ना यहाँ से हम जल्दी से निकलेंगे। आपको तो मैंने कल बताया था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और मैंने क्या लेने जाना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता क्योंकि गाड़ी मैंने बाहर खड़ी कर दिया और घर वाले मुझसे पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, बता भी नहीं रहे। और मैं फार्म हाउस की तरफ इसलिए नहीं जा रहा, वहाँ अली के काफ़ी सवाल होंगे कहाँ जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे, ऐसे सारी बातें ना, तो फिर मैं पकड़ा जा सकता हूँ। इसलिए घर वाले तो कोई नहीं है अभी इधर करीब, तो इसलिए बस हम जल्दी से इन परिंदों को देखेंगे और यहाँ से सीधा निकलेंगे। कॉकटेल का एक बच्चा और दूसरा बॉक्स के सामने बैठा हुआ, माशाल्लाह काफी प्यारे लग रहे हैं और इस सीजन में ना ये बड़े हो जाएंगे, मतलब जब तक सर्दियाँ आएंगी ना ये भी आगे से ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और फिंचज के ना कुछ नए बच्चे, यहाँ तो रोजाना नए बच्चे आते जाते रहते हैं। एक फिंच बच्चे देती है, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट लेती है तो उसके तिनके उठा के कोई और फिंच ले जाती है, तो ऐसे ना इनका सिस्टम चलता रहता है। राजू तुमने कभी शेर देखे हैं? तुमने कभी भी शेर नहीं देखा, मैं तुम्हारे लिए ना शेर लेके आता हूँ। शेर के पास तुम्हें जाकर छोड़ेंगे और फिर वो तुम्हें एक ही दम ना काट लेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ये शेर को दूर से देखा करेगा, हम वहां पर खेला करेंगे और ये यहाँ पर ना शेर को यहीं से एंजॉय करेगा। ये उसके अगर करीब गया ना तो फिर तो निकलते हैं घर से जल्दी से। दोस्तों हमेशा ऐसा हुआ है कि अगर मैं किसी से भी मशवरा ना करूँ तो कम से कम अपने छोटे भाई के साथ मशवरा जरूर कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं उससे भी नहीं मिला क्योंकि वो शुक्र है मेरे सामने नहीं आया। अगर वो पूछता तो उसे तो मुझे सच बताना पड़ता, लेकिन वो भी मेरे सामने नहीं है, तो इसलिए अच्छी बात यह है कि वापसी पे आकर ना उसे बता दूंगा, या फिर अगर उसकी कॉल आ भी गई ना तो मैं उसे ये बोल दूंगा कि घर में किसी को ना बताए, जब मैं वापस आऊंगा तो फिर सबको बता देंगे। भाई के घर में पहुंच चुका हूं, बस दुआ कीजिएगा। शेर सामने है यार, वो झाड़ू उठा के वो देखें जरा सामने झाड़ू को कहां लेकर जा रहा है। यार ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मुझे लगा था ये तो छोटा होगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? ठीक है और फिट है? कैसे हैं? ठीक है बिलाल भाई, ये आपने बिला पाली हुई, आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल छोटा सा है, वो छोटा था आपके लिए छोटा सा है ये, वो देखो झाड़ू के उसने, नहीं नहीं मैं नहीं करीब जा रहा, देखे जी वो बिलाल भाई आपने मुझे मेरे ख्याल में वो 2 महीनों वाली वीडियो भेजी थी और पिक्चर भेजी थी, अच्छा वही थी तो वही भेज दी कम से कम। ये देखे जी बिलाल भाई ने मुझे पूरी, यार इसके करीब भी मुझे डर लग रहा है, ये अभी झाड़ू की सख्ती आई है ना, वो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो फिर मैं भी गया। अच्छा जी इसका नाम है कुगो और ये जो है ना काफ़ी देर से खेल रहा था और अभी इससे झाड़ू छीना तो नहीं है, इसने तोड़ ही दिया है, अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। वैसे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और आपको मैं सारी स्टोरी बताता हूँ। बिलाल भाई जो है ये आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, हो सकता है 20-30 कुछ इतने दिनों के लिए, उन्होंने बोला कि यार ये आप रख लो। अब मैंने यही सोचा था कि घर में रख लूँगा, ट्रेनिंग हो जाएगी और साथ में जब ये वापस आएंगे इनको वापस करके मैं अपना ले लूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो कुछ और सीन चल रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसे एक दफ़ा हार लगाऊंगा, इसके करीब जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं ये लेके जा पाऊंगा, मुझे लगा कि छोटा बच्चा होगा मज़ा आएगा, लेकिन नहीं ये तो भाई साहब यहीं से ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ना ज़रा कैसे मुझे देख रहा, अगर मेरी तरफ आया ना तो मैं भाग के सीधा या तो छत या गाड़ी के अंदर। बिलाल भाई मेरी तरफ से बिल्कुल माजरत है, ठीक है ना, शौक नहीं पूरा करना, शौक इस पे नहीं मैं पूरा कर सकता, ये ना हो ना आप वापस आए, शेर इधर ही हो अच्छा। लेकिन जो लेके गया वो इस दुनिया में ना हो, तो नहीं नहीं होता है ना ये, उसकी हरकतें चेक करें, टायर वहाँ उसे नहीं मिलेगा तो मुझे ही टायर बना लेगा, टायर ले जाना नहीं नहीं आप एक काम करें ना आप, लेकिन अब फिर आप क्या करेंगे इसको? नहीं है मेरे पास सेकंड ऑप्शन, नहीं आपके पास सेकंड क्या, ये 4-5 बंदे यहाँ पर घूम रहे हैं इसको संभाल लेंगे, इसको मैं जब खुद होता हूँ तभी खोलता हूँ। अच्छा ये मेरे साथ अटैच है, उन लड़कों के साथ इतना अटैच नहीं, तो फिर इसका क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन है मुझे किसी जू में इसको छोड़ना है। अच्छा जू वगैरह में छोड़ देंगे, अच्छा आपके पास सारे ऑप्शन है, इन्होंने पहला ऑप्शन, अच्छा अच्छा ठीक है जू में चला जाएगा, मतलब बिलाल भाई पास सारे ऑप्शन है कि या तो मुझे देते तो या फिर भाई आपको दे जाते, वैसे क्या कहते हैं कि आपको ना लेते, नहीं नहीं आ रहा आ गया आ गया आ गया आ गया, बचत होगी
डरा नहीं हूँ ना। बिलाल भाई ने कहा है कि डरना नहीं है। हाँ डरना नहीं है, टेम है वो, टेम है सुपर टेम है। अच्छा सुपर टेम है, डरना नहीं है। शेर से जो एक दफा डर गया ना वो मर गया, और डर तो मैं रहा हूँ लेकिन यार ये देखें माशाल्लाह अभी पता चला करीब से कभी, और है भी बच्चा ना। कितने महीने का बिलाल भाई? 9 months का हुआ है। ओए होए 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 आया आया ठीक है ठीक है ठीक है। ये माशाल्लाह यार वाकई मैं डर तो नहीं रहा लेकिन आपको दिखा रहा हूँ, पड़ेगा पड़ेगा मुझे। अच्छा खेलने अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी तो सांस बिल्कुल रुकी हुई है फिलहाल ना, तो मैं हाथ को हिला रहा हूँ, मुझे ही देख रहे हैं। चले जाओ कुगू, एक किसका नाम क्या था, कुगू ही था ना, कुगो। अच्छा कुगो मेहरबानी है यार यहाँ से चले जाओ। ओह उसके पंजे गे मेरे कपड़े गे। चलो ठीक है बचत हो गई। गुको ने ना मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। मैंने यही सोचा था कि इसी तरीके से ही हमारे गार्डन में बैठा होगा, हमारे साथ मस्तियाँ करेगा, लेकिन देख के ना घर वाले तो मुझे कहेंगे कि बस बिस्तरा उठाओ ना घर से, इसी के साथ जा कर रह लो, इतना बड़ा तो कभी इजाज़त नहीं देंगे यार। 9-10 महीने के अगर होता ना 2-3 महीने का तो फिर हम रखते हुए अच्छे लगते थे। ये बिल्कुल ख़तरनाक है ना, हम इसे बाहर निकाल सकते हैं घर से, ना किसी और जगह लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सोचें कि इसके सामने इब्राहिम हो तो बिल्कुल छोटा सा लगे, और वो बाहर नहीं निकल सकेगा, घर वाले नहीं निकल सकेंगे, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अब हमें एक छोटा वाला शेर का बच्चा ढूंढना पड़ेगा। ये भाई से कुगू डरता है और इस बोतल से डरता है। अभी मेरे ऊपर जंप लगाने लगा था, आ जाएं आ जाएं, ये मेरे साथ साथ। लेकिन एक दफ़ा ना इन भाई के भी कपड़े जो है ना, या ये जिस किधर से ये अच्छा यही वाले हैं, ये देखें ये कुगू ने एक दफ़ा कपड़े फाड़ दिए हैं, तो भाई जान आ जाएं। लेकिन इसका पता कोई नहीं होता ना, एकदम से ये आते हैं हमला करने के लिए। आ जाएं तो ये यहाँ पर भी करेगा रेस्ट, और मैं आपको भाई ने जो और परिंदे रखे हैं ना वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह मैंने देख लिए हैं एक दफ़ा, लेकिन इनका सेटअप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मैं आपको परिंदे दिखाता हूँ। यहाँ से भाई का सेटअप शुरू होता है, और ये देखें ये पूरी साइड जो है ना ये सारी है जी, माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हैं जी। ये देखें ये हैं जी मकाओ, ग्रीन विंग मकाओ हैं, और इस तरफ गोल्ड एंड ब्लू हैं, और माशाल्लाह कितने बड़े बड़े केज हैं, फ्लाइंग हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो सामने एक छोटा सा बच्चा भी ना केज के अंदर है, इन्हीं का बच्चा है। छोटे हाँ छोटे अंदर से चलते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और ये देखें वो इन्होंने तो हमें देख के शोर मचाना शुरू कर दिया यार। और ये देखें इस तरफ सारे काकाटू हैं, ऊपर ये देखें रॉ है, वहाँ सामने येलो रिंग नेक हैं, वाइट हैं, मिक्स हैं, लोरी वगैरह सारे परिंदे हैं, यहाँ पर हैं, ऊपर हैं, और अरे पूरा घर परिंदों से भरा पड़ा है। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ये देखें दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहीं से आप इनको दाना वगैरह दे सकते हैं। ये चेक करें, यहाँ से आप इनको दाना देंगे और यहाँ से परिंदा निकल भी नहीं सकता। अगर ये खुली भी रह जाए ना तो परिंदा निकल नहीं सकेगा। इनके भी बॉक्स लगे हुए हैं। अब ये नहीं पता इनके बच्चे आए हैं या नहीं आए। ये लव बर्ड की कोई कॉलोनी नहीं है, जो शायद इस दफ़ा बच्चे आए हैं ना लव बर्ड के, ये वैसे ही इन्होंने रखे हुए हैं। और इस तरफ ये इन्होंने छोटा सा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, और बाकी बच्चे वगैरह जो है ना वो कुछ अंदर भी हैं, और यहाँ पर ये पिंजरे खाली हैं। मुझे लगता है यहाँ पर ये ब्रीड लेते हैं। ओ माशाल्लाह कितना प्यारा छोटा सा नन्ना का बच्चा। अरे मैं तुम्हारा अम्मी अब्बा नहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कैसे फीड ले रहे हैं। और ये भाई कितने दिन का होगा ये वाला बच्चा? ये छोटा है अभी, छोटा है, 2 महीने का भी नहीं होगा, लेकिन यार देखे माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना बड़ा है। ये रहा वो वाला बच्चा जिसकी मैं आपको ना उधर से बता रहा था। ये काटे का तो नहीं, आओ अच्छा हाथ पे आएगा, आ जाओ इधर होने यार, आ जा आ जा आ जा, नहीं अभी सीख रहे हाथ पे ना। ओहो ये किधर से शोर मचा रहे हैं, यहाँ पर है। अच्छा ये रहे, मुझे लगता है यही ना उस बच्चे के माँ बाप है। ओहो गुस्सा गुस्सा, ओए काट रहे काट रहे काट रहे, तुम्हारा बच्चा मैं लेके जाऊँगा, अभी उठाता हूँ सब्र करो, इसको तभी मैं बाहर निकालूंगा। आओ आओ आ जाओ यार, ये भी अपने माँ बाप की मानते, मेरे पास नहीं आ रहा। आओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, नहीं आ रहा, इसका भी मूड नहीं है, मूड नहीं है तो तंग नहीं करते। इसको देखिएगा इसने खाया हुआ है लेकिन फिर भी भूख लगी हुई है। ओए मेरे हाथ में कुछ नहीं है यार, क्या खाने की कोशिश कर रही है, ये देखें। बस 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 यार बस बस बस, चलो मैं तुमसे ना मिलने आया करूँगा, ठीक है ना। ओ यार इनको देखें,
निकलते हैं यहाँ से। मुझे लगा कि हमारे वाले परिंदे शोर करते हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा करते हैं। इस तरफ इतने प्यारे प्यारे ऊपर परिंदे हैं ना, ये इन पिंजरों के भी अंदर हैं। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और गोको ने हमें शायद देख लिया। कैंप, हाँ, ये छुप के शिकार करने के चक्कर में है। देखिए कैसे हमें देख लिया, जैसे वो समझ रहे हैं हमें पता नहीं है, एकदम से चपटा मारेगा हमारे ऊपर। अब निकलेंगे कैसे भाई, आप आगे हो जाएंगे, बोतल उठा लें, हो सके तो एक बोतल मुझे भी दे दें, क्योंकि ये बोतल से डरता है। वो देखें, ये आएगा अभी। हम आराम से यहाँ से निकलते हैं। चलें जी, मुझे छुपा लें अपने पीछे। देख रहे आएगा ज़रूर। इतनी शरीफ चीज़ तो है नहीं कि आराम से बैठा रहेगा। आया 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 यार ये खतरनाक है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और मुझे ना इस तरफ से अल्फा की भौंकने की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। पता नहीं उनको क्या मसला है, अली उधर है या नहीं है, तो अभी जाकर देखता हूँ। बाकी ये वाले सारे परिंदे देखें, आपको कोई आवाज़ आ रही है? दिन के वक्त यहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो सकता, इतनी चींटें चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और अभी बिल्कुल सुकून है यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है शेर का, लेकिन उसको देखकर ना एक अलग सी फीलिंग हो रही है कि बस अब जल्दी से जल्दी शेर लेना है। तो इंशाल्लाह अब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों का सीज़न नहीं है ना, बच्चे सारे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हमें जल्दी से कहीं ना कहीं से शेर का बच्चा मिल जाए और हम खुद उसे छोटा सा बच्चा पाल के टेम करें। तो आज के जो ब्लॉग था यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसे पता नहीं क्या हुआ है। अल्फा चिली किधर है? वो रही चिली, चिली 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 भाग गई है मुझे देखकर। अल्फा ऐसे ही, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही भौंक रहा है।